सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज हम लोग करेंगे सितंबर 2020 का पेपर CS1. ठीक है, सितंबर 2020 का जो पेपर है CS1 का, आज हम लोग ये वाला पेपर करेंगे. ठीक है, सो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, इजी पेपर था. सो लेट्स ट्राई इट आउट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग चालू करेंगे. तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक मिनट रुकिएगा, आई जस्ट सेट थिंग्स अप. या नाउ इट्स फाइन. या बोलता है, इट इज थॉट दैट हाउस प्राइसेस इन सर्टेन एरियाज आर कोरिलेटेड विद द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स इन द सेम एरियाज. अ स्टडी हैज बीन कैरिड आउट इन 10 रीजियंस वेयर एवरेज हाउस प्राइसेस एंड स्कूल क्वालिटी इंडाइसेस रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 हैव बीन रिकॉर्डेड. ठीक है, सो रीजन दे दिया है, स्कूल इंडेक्स दे दिया है एंड हाउस प्राइस दे दिया है. स्टेट व्हाट इज मीन बाय रिस्पॉन्स एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. रिस्पॉन्स इज वाई एंड एक्सप्लेनेटरी इज एक्स. प्लॉट ऑफ डेटा इज गिवेन. कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल क्वालिटी इंडेक्स एंड द हाउस प्राइस यूजिंग द प्लॉट. ठीक है, सो देख के तो लग रहा है कि वीक पॉजिटिव होगा. ठीक है, कमेंट में देखो, कमेंट बेसिकली बोलता है कमेंट ऑन द रिलेशनशिप. सो देयर इज एन इंक्रीजिंग एंड रिलेटिवली पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप. हाउएवर द ट्रेंड एंड लिनियरिटी आर नॉट वेरी क्लियर अराउंड वैल्यूज 5 and 6, बिकॉज 5 and 6 में बहुत ज्यादा स्प्रेड है. 5 and 6 में बहुत ज्यादा स्प्रेड है. ठीक है ना. फिर हम लोग को बोलते हैं स्टेटिस्टिकल टेस्ट इज परफॉर्म यूजिंग फिशर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू डिटरमाइन वेदर पियर्सन्स पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो. आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक. सो टेस्ट स्टेटिस्टिक का निकालने बोल रहा है. सो क्या हो जाएगा, हाफ एल एन 1 plus r by 1 minus r. ठीक है ना. एंड ये हम लोग निकालेंगे, और एक हम लोग को निकालना पड़ेगा हाफ एल एन 1 plus rho by 1 minus rho. ठीक है, सो होता क्या है, डब्ल्यू आर फॉलोज नॉर्मल डब्ल्यू रो कॉमा 1 by root under n minus 3. तो n यहां पर हम लोगों को कितना दिया हुआ है, n यहां पर हम लोगों को नंबर ऑफ पेयर दिया है 10. ठीक है ना. सॉरी, दिस विल बी वन बाय एन माइनस थ्री. ठीक है, सो अभी जैसे ये वाला अपना कितना आ रहा है, ये वाला जो आएगा यहां पर तो रो का वैल्यू जीरो डालेंगे तो लॉग वन जीरो होता है, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा. और ये वाला जो आ रहा है 0.8673, बिकॉज हम लोग को आर दे दिया है, स्मॉल आर अपने को दे दिया है 0.7. ठीक है ना, स्मॉल आर अपने को दे दिया है 0.7. ठीक है, अब इसको जब अपने स्टैंडर्डाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0867 माइनस 0 बाय रूट अंडर 1 बाय एन माइनस 3. सो दिस इज 0.867 बाय 1 बाय रूट 7. ठीक है ना. सो यहां से मेरा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक आएगा विच इज 2.295.
ये मेरा टेस्ट स्टेटिस्टिक आ गया और ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो टू साइडेड हो गया ये, ठीक है ना। राइट डाउन द कंक्लूजन ऑफ द टेस्ट एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो क्या हो जाएगा, नॉर्मल है तो 2.5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो 2.5% का नॉर्मल का जो वैल्यू होता है विच इज 1.96, सो प्लस माइनस 1.96 के तो बाहर ही आ रहा है, तो रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। वी कुड रिजेक्ट एच नॉट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल एंड कंक्लूड दैट पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, देखो यहां पर अगर हम लोग ये ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा आएगा माइनस 1.96 और ये मेरा आएगा 1.96, तो इसके तो बाहर में यहां पर लाई कर रहा है ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, रिजेक्शन रीजन होता है, ठीक है। फिर बोलता है द लीनियर रिग्रेशन लाइन ऑफ हाउस प्राइसेस ऑन स्कूल इंडेक्स इज गिवन एज, तो क्या दे दिया है, वाई हैट इज इक्वल टू 133.8 प्लस 7.386x, ये अपने को दे दिया है। अ टी टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन इफ द स्लोप पैरामीटर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द सम्स, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए अपने को करना पड़ेगा SXX निकालना पड़ेगा, विच इज समेशन ऑफ XI स्क्वायर माइनस NX बार का स्क्वायर, SYY इज व्हाट, समेशन ऑफ YI स्क्वायर माइनस NY बार का स्क्वायर, एंड SXY जो अपने को दिया हुआ है, SXY जो अपने को दिया हुआ है, सो दिस इज योर अपने को सबसे पहले बोला है SXY, तो ये वाला अपने को करना पड़ेगा SXY, बिकॉज जैसे सम में अपने को समेशन YI स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब अपने को निकालना पड़ेगा समेशन ऑफ XY माइनस N X बार Y बार, ठीक है। यहां तक कर लीजिए, यहां तक करो सब लोग, ठीक है, यहां तक कर लीजिए। फिर इसके बाद में अपने को बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक, सो वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक के लिए अपने को इसके बाद में निकालना पड़ेगा सिग्मा हैट स्क्वायर विच इज 1 बाय एन माइनस 2 एस वाई वाई माइनस में आएगा एस स्क्वायर एक्स वाई बाय एस एक्स एक्स, ठीक है ना। तो ये आ गया, फिर हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट, सो दिस इज सिग्मा हैट स्क्वायर बाय एस एक्स एक्स का रूट, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे बीटा हैट का वैल्यू विच इज एस एक्स वाई बाय एस एक्स एक्स, ठीक है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो बोला है ना, सो बीटा हैट माइनस बीटा बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट, so this will be beta hat minus beta which is zero by root under sigma hat square by sxx,
तो ये वाला जो अपना वैल्यू आएगा दिस विल बी 2.80। ठीक है, फिर बोलते राइट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इफ द नल हाइपोथेसिस ऑफ द टेस्ट इज करेक्ट। ठीक है, सो दिस विल फॉलो टी एन माइनस टू, सो टी 8 फॉलो करेगा ये। ठीक है, सो बेसिकली इट विल फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इट विल फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना, राइट डाउन द कंक्लूजन ऑफ द टेस्ट एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इंक्लूडिंग रिलेवेंट। तो टी 8 का वैल्यू अपने को देखना पड़ेगा 2.5% पे, क्योंकि इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वल और नॉट इक्वल बनेगा, तो टू साइडेड बनाएंगे इसको। सो प्लस माइनस आएगा 2.5, सो टी 8 2.5% विल गिव मी प्लस माइनस 2.306, प्लस माइनस 2.306 मिलेगा। ठीक है, सो अपना जो टेस्ट स्टैटिस्टिक आ रहा है विच इज 2.80, तो रिजेक्ट। सो रिजेक्ट का मतलब बीटा इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो। राइट डाउन द कंक्लूजन। ठीक है, फिर कमेंट करने बोल रहा है, टू साइडेड टेस्ट वी हैव एविडेंस एंड 5% सिग्निफिकेंस लेवल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट बीटा इज इक्वल टू जीरो। द टू टेस्ट आर एक्चुअली सिमिलर, देयरफॉर इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट दे यील्ड टू द सेम कंक्लूजन दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, बिकॉज बीटा अगर नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप इज देयर। ठीक है ना, ओके अब इसके बाद में आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। इजी क्वेश्चन था एकदम ये वाला, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। फॉर एन एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। फॉर एन एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू द अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय टेनेंट्स इन अ टाउन, डेटा ऑन इनकम एक्स एंड रेंट वाई हैव बीन कलेक्टेड। डेटा फॉर अ टोटल ऑफ 300 टेनेंट्स ऑफ वन बेडरूम फ्लैट्स हैव बीन रिकॉर्डेड। अज्यूम दैट एक्स एंड वाई आर बोथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, म्यू और सिग्मा स्क्वायर दे दिया है, एस एक्स एंड एस वाई सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, द रैंडम वेरिएबल जेड एक्स, सो जेड एक्स इज वॉट 299 एस स्क्वायर एक्स वाई सिग्मा स्क्वायर एक्स। स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड एक्स एंड ऑल ऑफ इट्स पैरामीटर्स, राइट डाउन द एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस ऑफ जेड एक्स, एक्सप्लेन बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड एक्स इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। ठीक है, सो अगेन दिस लुक्स एट लाइक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सो जेड एक्स बेसिकली क्या फॉलो करेगा, एन माइनस वन एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, नो दिस विल फॉलो काई स्क्वायर एन माइनस वन, सो बेसिकली जेड एक्स विल फॉलो काई स्क्वायर 299 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो काई स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ काई स्क्वायर एन माइनस वन इज वॉट, एन माइनस वन, एंड वेरियंस ऑफ काई स्क्वायर एन माइनस वन इज 2 इंटू एन माइनस वन। सो अपने को मीन ऑफ वेरियंस निकालने बोला है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड एक्स विल बी वॉट 299, एंड वेरियंस ऑफ जेड एक्स विल बी वॉट 2 इंटू 299। समझा, जैसे 299 300 माइनस 1 n माइनस 1 s स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलोस काई स्क्वायर 300 माइनस 1, तो ये वाला इसका बनेगा अपना। ठीक है ना, क्लियर है ये वाला। A chi-square distribution with 299 degrees of freedom is the distribution of a sum of 299 independent random variable that are all squared standard normally distributed। जैसे आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगा कि जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल जो होता है अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो अपना बनता है काई स्क्वायर वन। तो बेसिकली वही बोला है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 299 degrees of freedom is the distribution of a sum of 299 independent random variable। ठीक है, that are all squared standard normally distributed। It follows from the CLT that a chi-square distribution with a large number of degrees of freedom, ठीक है, तो CLT से बोल रहे कि कर सकते हैं, chi-square distribution with a large number of degrees of freedom can be approximated with a normal distribution। तो उसको फिर हम लोग normal distribution से approximate कर सकते हैं।
ठीक है। फिर हम लोग को बोलता है इन द कलेक्टेड सैंपल द मीन इनकम इज इतना विद रियलाइज सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन इतना, मीन रेंट इज इतना विद रियलाइज सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन इतना एंड समेशन एक्स आई वाई आई इतना दे दिया है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन इनकम। ठीक है, सो अपने को फिर बोल रहा है, अच्छा इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ एन अप्रोक्सीमेट 2.5% क्वांटाइल एंड 97.5% क्वांटाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड एक्स। अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी जेड एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्यू, सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जेड जो मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला है इज लेस देन इक्वल टू क्यू माइनस 299 बाय रूट अंडर 598, ये इसका मीन, ये इसका वेरिएंस। ठीक है, सो 2.5% बोला है ना और 97.5% बोला है, सो अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये है 1.96, माने ये वाला जो एरिया मेरा बनेगा ये कितना बनेगा 97.5%, एंड सिमिलरली तुम्हारा ये वाला जो एरिया ये है 1.96, तो ये वाला जो बनेगा ये 2.5% बनेगा, ये 2.5% बनेगा, तो बेसिकली ये वाला जो वैल्यू है, सो q माइनस 299 बाय रूट अंडर 598 इज इक्वल टू माइनस 1.96, तो इससे मेरे को मिलेगा 2.5% वाला, एंड q माइनस 299 बाय रूट अंडर 598 इससे मेरे को मिलेगा इज इक्वल टू 1.96 से मेरे को मिलेगा 97.5% वाला वैल्यू। ठीक है, फिर अपने को ये सारा डेटा दे दिया है, बोलते हैं कैलकुलेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन इनकम, तो ठीक है ये तो बहुत ही सिंपल है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन इनकम, तो मीन इनकम तो बहुत सिंपल है, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 एस बाय रूट एन, तो कैसे करेंगे, अपने को एक्स बार कितना दे दिया है, अपने को यहां पर एक्स बार कितना दे दिया है 1838 प्लस माइनस 1.96 इंटू, अपने को बोल दिया है रियलाइज सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, सो इसका है 211 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन विच इज 300, तो यहां से मेरा आ जाएगा वैल्यूज। फिर अपने को सेम चीज निकालने बोल रहा है फॉर मीन रेंट, तो अब रेंट वाले के लिए यूज करेंगे, तो रेंट वाले के लिए क्या आ जाएगा अपना 608 प्लस माइनस 1.96 इंटू 275 बाय रूट अंडर 300। ठीक है, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द वेरियंस ऑफ इनकम, वेरियंस ऑफ इनकम बोल रहा है, वेरियंस ऑफ इनकम। ठीक है, सो इनकम मतलब एक्स बोल रहा है, सो वेरियंस ऑफ इनकम के लिए अपने क्या फॉलो करेंगे, अपने को जैसे निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी, देखो वेरियंस ऑफ इनकम के लिए अपने लगाएंगे तो यही वाला n माइनस 1 एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलो स्काई स्क्वायर n माइनस 1, तो अपने को देखना पड़ेगा और अपने जाते हैं तुम्हारा 100% से 0% पे जाते हैं, अपने जाते हैं 100% से 0% पे, ठीक है ना, सो बेसिकली बहुत सिंपल है ये वाला भी, अपने को देखना पड़ेगा काई स्क्वायर 299 लोअर वाला, जैसे अपना जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा बनेगा, वो अपना कुछ ऐसा बन, ठीक है, तो ये वाला जो अपने काटेंगे दिस इज 97.5% और ये वाला जो अपने काटेंगे दिस इज 2.5%,
तो अपने को चालू करना पड़ेगा ऐसे कुछ कि प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर 299.97.5%। ठीक है, यहां पर आ जाएगा तुम्हारा एन माइनस वन एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर 299.5%। ठीक है, फिर इसको पूरा को मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 299, जैसे 299 इंटू एस स्क्वायर, जिस 211 का स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, सो ये वाला जो वैल्यू आएगा अपने को ये देखना पड़ेगा 97.5% पे कितना आ रहा है। जैसे ये वाला जो वैल्यू आएगा दिस इज 97.5%, ठीक है ना, और ये वाला जो वैल्यू आएगा दिस इज 2.5%। ठीक है, तो अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय, एक्चुअल में होगा क्या मैं तुमको बताता हूं, यहां पर ये रिवर्स हो जाएगा तो आएगा 299 इंटू 211 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर तुम्हारा आएगा 2.5% वाला वैल्यू एंड 299 इंटू 211 का स्क्वायर, यहां पर आएगा 97.5% वाला वैल्यू। ठीक है ना, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन फॉर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफ रेंट ऑन इनकम। रेंट ऑन इनकम है ना, सो दिस विल बी फोर्थ वन, ए प्लस बी एक्स आई प्लस जेड आई, वे जेड आई फॉलोज नॉर्मल 0, σ² एरर रैंडम वेरिएबल्स, कैलकुलेट द एस्टिमेट्स ऑफ द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट ऑफ द मॉडल इन पार्ट 8। ठीक है, तो स्लोप एंड द इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपने निकालेंगे एस एक्स वाई, अपने निकालेंगे एस एक्स वाई, सो दिस इज समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। ठीक है, फिर अपने निकालेंगे एस एक्स एक्स, फिर अपने निकालेंगे बीटा हैट विच इज एस एक्स वाई बाय एस एक्स एक्स, फिर अपने निकालेंगे अल्फा हैट विच इज वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार। ठीक है ना, डोंट टेक द प्रेशर ऑफ मेमोराइजिंग द फॉर्मूलाज बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। देख पा रहे हैं, देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है इसमें, एरर रैंडम वेरिएबल्स फॉलोज नॉर्मल 0, σ² उस पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अपने को वही रिग्रेशन मॉडल दे दिया है, समेशन एक्स समेशन वाई सब कुछ दे दिया, एस एक्स एक्स एस वाई वाई एस एक्स वाई निकालने बोल रहा है, फिर वैल्यू ऑफ द पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट एस्टिमेट्स ऑफ ए एंड बी, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सिंपल है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ईबीसीडी मॉडल 1 का क्वेश्चन है, एक तो अ स्टैटिस्टिशियन हैज रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ स्टैटिस्टिशियन हैज रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग टेलीफोन कॉल्स दैट देयर ऑफिस रिसीव्ड ओवर 2 ईयर्स, द स्टैटिस्टिशियन हैज रिकॉर्डेड डेटा एक्स आई जे विच इज द नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड इन द आईथ क्वार्टर ऑफ द जेथ ईयर। तो ये अपने को दे दिया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा एंड वेरियंस ऑफ एम थीटा अपने को निकालना है। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा, सो दिस इज एक्स बार विच इज समेशन आई रन फ्रॉम 1 to 4 एक्स आई बाय 4, सो दिस इज नथिंग बट 1/4, 36 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 62, ये सारा मीन्स का मीन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा
So 1 by 4 summation I runs from 1 to 4. Again 1 by 1 summation J runs from 1 to 2. फिर ब्रैकेट में तुम्हारा आ जाएगा एक्स आई जे माइनस एक्स आई बार का स्क्वायर. सो दिस इज अगेन नथिंग बट 98 + 8 + 8 + 72 होल डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, ये अपने को दे दिया है क्योंकि J runs from 1 to 2, दो ही डेटा है ना इसीलिए. Then there is variance of m theta, which is 1 by 3, summation I runs from 1 to 4, xi bar minus x bar ka square minus half, 1 by 4, summation I runs from 1 to 4, 1 by 1, summation J runs from 1 to 2, xij minus xi bar ka square. मैंने देखो इसमें बहुत सारा चीज तो अपने कर ही चुके हैं ऑलरेडी. पहला वाला इज डिफिकल्ट क्योंकि उसमें सारा का अपने को निकालना पड़ेगा. पहला वाला में अपने को सारा का निकालना पड़ेगा, जैसे कि 1/3 36 - 39.5 का स्क्वायर, फिर प्लस में आएगा 40 - 39.5 का स्क्वायर. माने इसमें इंडिविजुअल मीन माइनस ओवरऑल मीन, फिर प्लस में आएगा 20 - 39.5 का स्क्वायर, फिर प्लस में आएगा 62 - 39.5 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ये वाला सेकेंड वाला पार्ट तो अपना कैलकुलेटेड है, सो 46.5 आ जाएगा. फिर अपने निकालेंगे क्रेडिबिलिटी फैक्टर और अपने को कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर X13 द नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग टेलीफोन कॉल्स दैट द स्टैटिस्टिशियंस ऑफिस एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 3 यूजिंग योर आंसर्स टू पार्ट 1. ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिबिलिटी एस्टिमेट निकालेंगे अपन, विच इज जेड, विच इज 2/2 + 46.5/276.41. सो दिस इज 0.92241. सो 0.92241 × 36, विच इज द इंडिविजुअल मीन, प्लस 1 - 0.92241 × 39.5, विच इज द ओवरऑल मीन. फिर अपने को बोला की assumptions, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एक्स आई, आई रन्स फ्रॉम 1 टू 4, जे रन्स फ्रॉम 1 टू 2, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर थीटा आई हुज वैल्यू इज फिक्स्ड अननोन एंड द सेम फॉर ईच वैल्यू ऑफ जे. Assumption to given theta I, x, I, j are independent and identically distributed. So, assumptions of model 1 and 2 are very important. फिर हमने बोलते हैं explain what these assumptions mean for the data x, I, j above. For the given data, the assumptions can be interpreted as saying, the number of calls received follows a distribution with a parameter that varies according to the time of the year, but that is constant between years. मतलब कौन से quarter में आ रहा है, that will vary, but हर एक quarter का जो है, जैसे first year का first quarter, second year का first quarter, third year का first quarter, तो वही बोला है, the number of calls received follows a distribution with a parameter that varies according to time of the year, quarters, but that is constant between years. ठीक है ना. देख लीजिए इसको, इसके बाद आइए
स्टेट द थ्री कॉम्पोनेंट्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, स्टेट द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ जीएलएम. सो जीएलएम का क्या क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई, लीनियर प्रेडिक्टर ईटा एंड लिंक फंक्शन. इन अ मोर्टालिटी मॉडल द नंबर ऑफ डेथ्स एट एज एक्स इज मॉडल विद अ जीएलएम डीएक्स इज अज्यूम टू हैव अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ एक्सपेक्टेशन एम एक्स. एक्सपेक्टेशन एम एक्स विच इज एक्सपोनेंशियल ए प्लस बी एक्स फॉर ईच एज एक्स सच दैट डीएक्स फॉलोज पॉइजन एक्सपोनेंशियल ए प्लस बी एक्स. ठीक है. स्टेट द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ द जीएलएम फॉर द अबव मोर्टालिटी मॉडल. ठीक है. तो dx विल फॉलो पॉइजन. ठीक है. लीनियर प्रिडिक्टर ईटा x इज वॉट a प्लस बी एक्स. द लिंक फंक्शन इज द लॉगरिदम. सो लॉग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ dx. सो दिस विल बी इक्वल टू ईटा x. ठीक है. फिर बोलता है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव्स द करेक्ट likelihood function as a function of the unknown parameters a and b based on the observed number of deaths for all ages 20 to 80 given by d20 to d80 assuming that the number of deaths at different ages are independent. ठीक है. so ये वाला कैसे करेंगे बताइए. so 20 to 80 e to the power minus lambda, lambda to the power x होल डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल. सो बेसिकली यहां पर लैम्डा क्या है मेरा, लैम्डा है मेरा ई टू द पावर ए प्लस बी एक्स. एक्स क्या है मेरा डीएक्स. ठीक है ना. सो पहला वाला आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल का प्रोडक्ट 20 to 80. सो बेसिकली पहला वाला जो है अगर आप देखेंगे, सो पहला वाला मेरा आ रहा है प्रोडक्ट x रन्स फ्रॉम 20 टू 80 1 बाय dx का फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस e टू द पावर a प्लस बी एक्स. ठीक है. e टू द पावर a प्लस बी एक्स लैम्डा टू द पावर x, सो विच इज dx हियर. ठीक है ना. फिर बोलता है एन एनालिस्ट इज रिव्यूइंग द मोर्टैलिटी मॉडल एंड इज कंसीडरिंग डेथ्स ओनली फॉर एजेस बिटवीन 40 एंड 43 इंक्लूसिव. मतलब 40, 41, 42, 43 ये चार साल के लिए कर रहा है. द एनालिस्ट कलेक्ट्स डेटा फॉर डेथ्स एंड एस्टिमेट्स द पैरामीटर्स फॉर ए एंड बी. आइडेंटिफाई यूजिंग अवर आंसर्स टू पार्ट थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन बेस्ड ऑन द एनालिस्ट डेटा एंड पैरामीटर एस्टिमेट्स. खाली डालना है उसमें वैल्यूज. ठीक है. अपने को सब कुछ दे दिया है, खाली वैल्यू डाल के अपने को आंसर निकालना है. ट्राई करो इसको एक बार, ट्राई करी खाली वैल्यू डालना है इसमें. खाली वैल्यू डालने से अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है. माने e टू द पावर a प्लस बी एक्स, तो इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. अब जैसे मैं एक तो 40 वाले के लिए करके दिखाता हूं. सो e टू द पावर a प्लस बी एक्स, सो दिस विल बी e टू द पावर 0.01512 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस 0.00686 इंटू, ये मैं कर रहा हूं आपका D40 के लिए. ठीक है.
अपने को सब कुछ दे दिया एक्चुअली। अब जैसे दिस विल बी इनटू 40, तो ये वाला अपना निकल जाएगा, ठीक है। और फिर डी 40 इज व्हाट, इट इज 2, तो वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। सॉल्व करने से अपने को आंसर मिल जाएगा पूरा, ठीक है। ये वाला आपने सॉल्व कर लिए, तो इसको करने के बाद में 1/2 factorial ई टू दी पावर माइनस ये वाला जो आएगा, फिर दिस टू दी पावर मैंने dx की जगह में 2, ठीक है, वैसे करके। ठीक है, तो ये वाला आप लोग कर लीजिए। फिर बाकी हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा।